असलम गाइज हव आई यू ऑल आई होप ऑल ऑफ यू मस्स बी डूइंग वेरी वेल एट योर होम्स इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट टॉपिक दट इज पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म इन द प्रीवियस वीडियोज आई हैव डिस अबाउट स्ट्रक्चरिज्म स्ट्रक्चरिज्म स्विस एंड स्ट्रक्चरिज्म प्रैग एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और करेक्टरिस्टिक्स एंड आल्सो सम पोस् स्ट्रक्चरलिस्ट राइट सो लेट्स बिगिन स्ट्रक्चरलिज्म को डिफाइन करने से पहले हम एक रिव्यू ले लेते हैं अबाउट सॉरी पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म को डिफाइन करने से पहले हम मैं एक रिव्यू ले, ले लेते हैं अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म ठीक है ये कुछ मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं पहले मैं इसको एलिबोरेट करूँगी फिर हम इसका रिलेशन देखेंगे स्ट्रक्चरलिज्म का कि किस तरीके से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म से डिफरेंट थी ठीक है हम ये रिलेशन देखेंगे सो so, लेट्स बिगिन अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है जब भी हम किसी वर्ड को देखते हैं यानी जब भी हमने किसी चीज़ को स्टडी करना होता है तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द ओरिजन ऑफ दैट वर्ड अब हमने स्ट्रक्चरलिज्म को स्टडी किया ठीक है लास्ट पिछली वीडियोस में अब हम करने जा रहे हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को तो हम एक रिव्यू के तौर पर हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है अगर मैं बिल्कुल ईजी वर्डिंग के अंदर इसकी डेफिनेशन देखूंगा तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कह सकते हैं पैटर्न या यूनिट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मेक्स अ कंप्लीट होल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इस कार्ड स्ट्रक्चरलिज्म फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक पोइम है ठीक है पोइम के अंदर क्या होता है उसके अंदर कुछ यूनिट्स होते हैं जैसे कि रिदम हम रिदम राइम राएं, राइम्स के मीटर जो मिल के एक स्ट्रक्चर ऑफ दैट पोएम बनाते हैं ठीक है तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है ना थ्रू दीस ऑब्जेक्ट या दीस यूनिट्स वो हमारे पास होता है एक्चुअली स्ट्रक्चर ठीक है ये होगा स्ट्रक्चर और अगर हम बात करें स्ट्रक्चरलिज़म की स्ट्रक्चर तो हमें पता लग गया कि स्ट्रक्चर इस तरह बनता है लेकिन जब इजम का बात होगी इट्स मीन कि वो एक थेरी हो गई या कोई मूवमेंट हो गई तो एक्चुअली स्ट्रक्चरलिज्म वाज अ थेरी दैट वाज स्टार्टेड बाय सम सोशियोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्ट ठीक है और एंड अदर और लिंग्विस्ट के अलावा कुछ अदर क्रिटिक्स ने uh, ना इन्हें स्टार्ट किया था टू शो दैट ऑल द एक्सपेक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ठीक है और ये था हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म और इसके अंदर जब मैंने कल्चर और लैंग्वेज की बात की इट्स मीन के हम इसके अंदर दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिक देखेंगे कल्चर के अंदर हमने स्ट्रोस को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और लैंग्वेज के अंदर हमने सोशोर को डिस्कस किया था उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को तो ये तो था हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म जो फोकस करते हैं कि लैंग्वेज का या कल्चर का कुछ स्ट्रक्चर होता है लेकिन जब हम बात करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हम इजीली ये डिफाइन कर सकते हैं अ बॉडी ऑफ आइडियाज इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज कॉल्ड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ठीक है तो यहाँ मैंने दो वर्ड लिखे हैं ये एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विद हाइफन एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विद आउट हाइफन तो वर्ड डज इट मीन तो क्या होता है कि जब हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विद हाइफ़न को पढ़ते हैं ना माइनरस ए डिफरेंस है इनके दरियान के हाइफन डिनोट करता है एक टाइम पीरियड को आफ्टर द स्ट्रक्चरलिज्म ठीक है जो स्ट्रक्चरलिज्म के बाद जो टाइम पीरियड होगा वो डिनोट करेगा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हाइफ़न वाला और अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स की तो जो करैक्टरिस्टिक या फीचर को डिनोट करेगा पोस्ट विद आउट हाइफ़न ठीक है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है वो है डी कंस्ट्रक्शन जब भी हमने बात करनी है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तो ये डेफिनेटली हम उसके अंदर डी कंस्ट्रक्शन की ज़रूर बात करेंगे क्योंकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म रिलेट करता है डी कंस्ट्रक्शन से जो डी कंस्ट्रक्शन जिसने टर्म को जिसने क्वाइट आउट किया था वो ही फादर है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का ठीक है अब जो डी कंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं कि अगर ईजी वर्डिंग में डी कंस्ट्रक्शन की बताऊँ ना तो डी क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट की जब हम डीप जा स्टडी करते हैं ना थ्रू ब्रेकिंग डाउन ऑफ इट्स मीनिंग तो दैट इज़ कॉल्ड डी कंस्ट्रक्शन यानी ये दो वर्ड से मिलकर बना है एक होता है डी प्लस दूसरा कंस्ट्रक्शन हमेशा आप कन्फ्यूज़ ना होगा कि डी कंस्ट्रक्शन का मतलब डिस्ट्रक्शन ही होगा डी कंस्ट्रक्शन का मतलब होगा ब्रेक डाउन जब हम ब्रेक डाउन करते थे इट्स डजन मीन कि हम उसको डिस्ट्रॉय करें उसके मीनिंग को इट्स मीन कि हम उसके मीनिंग को थ्रू द रीडर डिफरेंट परस्पेक्टिव के साथ अंडरस्टैंड करें ब्रेक डाउन करें विद इन द टेक्सट और फिर हम उसे अपना मीनिंग निकाल के अंडरस्टैंड करने की या एनासिस करने की कोशिश कर रहे हैं देट

to accept all the ideas or concept of structuralism and it also criticize the concept of structuralism ठीक है ये होता है हमारे पास post structuralism क्योंकि जो post structuralist वाले वो negate करते थे structuralist के ideas को वो उनके साथ कभी भी इतफा नहीं करते थे ठीक है तो that is called कि एक body of ideas है in the rejection of structuralism या in the response of structuralism वो कहलाती है post structuralism इट वॉज स्टार्टिंग इन फ्रांस इन नाइनटीन सिक्सटीज के अंदर फ्रांस के अंदर स्टार्ट हुई थी और जैक डरीडा ये आ, कहलाता है फादर ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ठीक है एक्चुअली ये जो जैक डीडा है ये हमारे पास एक फ़्रेंच फ़िलोसफर था ठीक है इसे फाउंडर ऑफ़ डी कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है और ये फ़ादर ऑफ़ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी कहा जाता है इसने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसके कॉन्सेप्ट इसने कंट्रीब्यूशन दी थी इसके अंदर इसकी एक कोटेशन है देर इज नो आउटसाइड द टेक्स्ट इसका एक वर्क था ऑफ ग्रामाटोलॉजी उसके अंदर इसने ये कोटेशन दी थी देर इज़ नो आउटसाइड द टेक्स्ट इट्स मीन कि जो टेक्स्ट हैज़ मल्टीपल मीनिंग जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले हैं वो uh, इस बात पर अग्री नहीं करते कि टेक्स्ट हैज़ स्पेसिफिक मीनिंग वो कहते हैं टेक्स्ट मल्टीपल मीनिंग और वो जो मीनिंग है वो विद इन द टेक्स्ट ही होंगे इसलिए वो कहते हैं देर इज नो आउटसाइड द टेक्स्ट तो अब हम इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स वो पोस्ट्रक्चरिज्म देखते हैं पोस्ट्रक्चरिज्म की करेक्टरिस्टिक्स के अंदर वो कहते हैं द मीनिंग ऑफ द रीडर टेक्स प्राइमरी पोजिशन द ऑथर सेकेंडरी जो पोस्ट्रक्चरिज्म वाले हैं वो रीडर को अथॉरिटी देते हैं वो कहते हैं कि किसी भी जो टेक्स्ट के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रीडर है वो ही प्राइमरी होगी और जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑथर है या ऑथर ने जो भी कुछ लिखा वो उसकी जो एनालिसिस होगा वो सेकेंडरी मीनिंग अख्तियार कर जाएगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट वो कहते हैं कि जो इन टेक्सचुअल अनालिस द रीडर रिप्लेसिज द ऑथर एज अ प्राइमरी सब्जेक्ट वही जो मैंने पहले, पहले बात की जो रीडर को इम्पोर्टेंस देंगे रीडर को अथॉरिटी देंगे और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपको बताऊँ कि जो ये पोस्ट्रक्चरलिज़म ठीक है और दूसरे नंबर पर है रीडर रिस्पॉन्स थेरी इन दोनों के अंदर हमारे पास रीडर की अथॉरिटी है इस बात को याद रखने ये हमारे पास एम एक बेस्ट एम बन सकता है और आ भी सकता है कि क्या है कि ये दोनों ही रीडर की अथॉरिटी पे फोकस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट वो कहते हैं कि मीनिंग्स आर नॉट फिक्स्ड ये जो मैंने अभी बात की पहले कि वो जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं कि जो मीनिंग होता है ना किसी भी टेक्स्ट का हम वो इंटरप्रिटेशन थ्रू द रीडर करते हैं तो रीडर की इंटरप्रिटेशन हर कोई टेक्स्ट को डिफरेंट वेज के साथ पढ़ेगा जैसे हमने डी कन्स्ट्रक्शन के अंदर पढ़ा कि वो कोई भी फिक्स्ड मीनिंग नहीं होगा वो डिफरेंट वे के साथ पढ़ेगा तो वो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देंगे ठीक है हम देंगे तो हम किसी भी एक फिक्स्ड मीनिंग पर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि वो इसके कॉन्सेप्ट के अंदर हमें निगेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सिग्निफायर और सिग्निफाइड देते हैं वो किस तरीके से वो कहते हैं कि सिग्नी तो हमने पहले ही पढ़ा था थार so के कॉन्सेप्ट में वो कहते हैं कि जो मेंटल इमेज होती है विद द पैसेज ऑफ द टाइम चेंज होती जाती है लेकिन ये जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले हैं वो रिलेशनशिप ऑफ द सिग्नीफायर को भी रिजेक्ट करते हैं वो कहते हैं कि सिग्नीफायर क्या होता है कोई भी इमेज हो सकती है जो रिटर्न फॉर्म के अंदर होती है ठीक है लेकिन वो कहते हैं कि जब हमारे पास हम किसी पे चीज़ों को सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल गूगल पे कुछ लिखते हैं उसको सर्च करते हैं तो कोई भी एक वर्ड लिखते हैं लाइन लिख लेते हैं या किंग लिख लेते हैं तो उसके कंट्रास्ट में या उसके सिनोनी में हमारे पास कोई और वर्ड निकल के आ जाएगा अब जब अगर हम बात करें कोई वर्ड एक लाइन की ही बात कर लें लाइन की हम सिनोनिम या देखें या इसका मीनिंग देखें तो हमारे पास किंग आ जाएगा क्राउन आ जाएगा किंग को किंग की आगे देखें तो कुछ और आ जाएगा अथॉरिटी आ जाएगा इस तरीके से जो सिग्नी आ रहा है लिटरल फॉर्म के अंदर हमारे पास वो भी आगे से आगे चेंज होता गया ना बढ़ता रह गया तो यही कॉन्सेप्ट था हमारे पास डीकंस्ट्रक्शन वालों का वो कहते हैं कि नो रिलेशनशिप बिटवीन द सिग्निफायर और द सिग्निफाइड जिस तरीके से सिग्निफाइड मेंटल इमेज चेंज होती है इसी तरीके से वो जो रिटन फॉर्म है वो भी विद द पैसेज ऑफ द टाइम वो चेंज होती रहती है ल्यूकन ने एक इसके बारे में कोटेशन दी थी ठीक है ल्यूकन ये भी एक क्रिटिक है वो इसके बारे में कहते हैं कि मीनिंग्स डिपेंड ऑन आर मेंटल मूड एंड सर्कमस्टांसिस अराउंड आर्स ठीक है और इसके लिए मेंटल मूड से तो हमारे पास ये अंडरस्टूड है कि हम सिग्नीफायर की बात करेंगे और जो मीनिंग हमारे पास अंडरस्टूड होंगे यानी जो अराउंड हमारे पास मीनिंग होंगे जब हम उस चीज़ को सर्च करेंगे तो वो मीनिंग चेंज होता चले जाएगा सिग्नीफायर है वो मल्टीपल आगे और सिग्नीफायर को जनरेट करता चले जाएगा तो इस तरीके से वो कहते हैं कि कोई भी मीनिंग नहीं है तो ये देखें कि ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ना मैं इसको रिलेट करके बात आ रही हूँ स्ट्रक्चर तो के साथ। ये जो भी कहते थे अब हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और जैक ड्रीडा ने दिया था ये कॉन्सेप्ट ठीक है ये जो जैक डरीडा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट सॉरी हमारे पास फिलोसफर भी था इसके इतने कॉन्सेप्ट अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट ठीक है, है और इसके अंदर इसका एक कॉन्सेप्ट था ए, ये यही जो थेरी ऑफ एब्सेंस यानी फ़िलोसफी ऑफ एब्सेंस है अब एब्सेंस क्या है यहाँ हमारे पास ये रिजेक्शन ऑफ बाइनरी ओपोजिशन देखने को मिलता है हमने सोशोर के कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा था तो सोशोर क्या कहता था वो कहते थे हर चीज़ की सिग्निफिकेंस या उसके मीनिंग को हम उसके बाइनरी या कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेकिन यहाँ थेरी ऑफ एबसेंस के अंदर वो जग डिडा क्या कहते हैं कि हम मीनिंग को कंट्रास्टिंग में कंट्रास्ट मीनिंग के थ्रू मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग हम उसी वक्त करेंगे जब उसका कॉन्ट्रास्ट वर्ड एबसेंट होगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते थे कि ब्लैक है ब्लैक क्या है समथिंग विच इज़ नॉट रेड वो कहते हैं कि हम इसको कंट्रास्ट नहीं कहेंगे समथिंग विच इज़ नॉट रेड हम ये कहेंगे ब्लैक है ये हमारे पास ये वर्ड या कोई भी चीज़ ब्लैक है इट्स मीन कि इसके साथ कंट्रास्ट करने वाली कोई चीज़ नहीं है दैट्स वाई हम इसकी सिग्निफिकेंस को जानते हैं तो इस वो कहते हैं कि जो मीनिंग है ना किसी भी वर्ड का अलोन होना यानी किसी भी एक वर्ड का प्रेजेंस होना इन द एब्सेंट ऑफ द ऑफ इट्स कंट्रास्ट वर्ड तो वो हमारे पास उस वर्ड की सिग्निफिकेंस को शो करता है दैट्स वाई कि वो हमारे पास थेरी ऑफ एबसेंस देता है यानी एबसेंस ऑफ इट्स कंट्रास्टिंग मीनिंग ठीक है अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आई होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा अब वो जो जो रिजेक्शन ऑफ द बाइनरी ऑपोजिशन भी इसी के अंदर क्लियर हो गया कि वो बाइनरी ऑपोजिशन जैसे कि डे नाइट जो हमारे पास मेल फीमेल ठीक है यानी डे नाइट जैसे भी जो पानी ऑपोजिशन को वो रिजेक्ट करते थे तो इसी तरीके से ये सारी रिजेक्शन आ गई ना अब ये ये सारी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमें ना इन द रिजेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म देखने को मिलती है और यही अब हम मैं बताऊँ तो ये जो स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर भी अगर आपको कंट्रास्ट कंट्रास्ट आ जाए या डिफरेंस आ जाए तो आप ये आसानी से लिख सकते हो ये क्वेश्चन आसानी से वाइंड अप हो जाएगा अच्छा अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट राइटिंग इज सुपीरियर टू स्पीच अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डीपली मैं डिस्कस करूँ ना जैक ड्रीडा ने, ने भी अपने वर्क लिखा था ठीक है उसने लिखा था फार्मेसी उसके अंदर उसने बात की थी इसी की कि यही राइटिंग और स्पीच के कॉन्सेप्ट जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं ना वो कहते हैं कि जो स्पीच है स्पीच इज़ सुपीरियर टू राइटिंग ठीक है स्पीच राइटिंग से सुपीरियर है प्रिविलेज है क्योंकि जब भी हमने किसी भी चीज़ को यानी जाहिर सी बात है बच्चा जो है या कोई भी हम पहले बोलते हैं फिर लिखते हैं ठीक है लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं कि पहले हम वो ना ये इस आइडिया से कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिलते हैं वो कहते हैं कि जो पहले हमारे राइटिंग आती है जब भी हमने किसी चीज़ को बोलना है ना तो मेंटल इमेज एक इन द रिटर्न फॉर्म हमारे दिमाग के अंदर एक मेंटल इमेज इन द रिटर्न फॉर्म के अंदर क्रिएट हो जाती है और उस इमेज के क्रिएट होने के बाद हम उसको बोलते हैं दैट्स मैं वो कहते हैं कि राइटिंग इज पीडियड टू स्पीच लेकिन यहाँ जब हम ये जो मैंने अभी बात की इसकी प्लाटो फार्मेसी के बारे में तो उसके अंदर ना वो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट देता है जिसके अंदर जैक ड्रीडा खुद कहता है कि जो ये स्पीच इज़ सुपीरियर टू राइटिंग ठीक है वो हम एक इस तरह इस तरह हम इसको स्टडी करेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे तो अभी आप इसको इस कंट्रास्ट के अंदर सिर्फ समझो कि वो रिजेक्ट करते हैं राइटिंग इज़ सुपीरियर Uh, वो कहते हैं कि स्पीच वो कहते हैं स्पीच इज़ पीरियड टू राइटिंग को रिजेक्ट कर तो वो कहते हैं राइटिंग पीरियड है ठीक है थीके? इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना ठीक है अगर हम जग डरेडा को अगर मैं डीपली स्टडी नेक्स्ट वीडियो में या आई विल ट्राई मै बेस्ट के जग डरेडा पे एक वीडियो बनाऊँ और रोलन बात पे तो अगर हम उसको स्टडी होंगे ना तो उसमें हम डीपली स्टडी करते हैं कि जग डा क्यों इस तरह कहता है अच्छा वो क्योंकि वो थोड़ी सी हिस्ट्री में जाता है प्लाटो की हिस्ट्री में जाता है और जग जक, जीन जकवेस्ट रोसू की हिस्ट्री में जाते हैं तो इसलिए वो कहते हैं लेकिन अभी आपने ये याद रखना है कि राइटिंग इज पीरियरियरियड टू स्पीच नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है रिकंस्ट्रक्शन का री कंस्ट्रक्शन में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ और दोबारा देखते हैं इसको रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है कि ये एक अटैम्प्ट होती है इट इज़ एन अटैम्प्ट एनालिसिस द आ, हम कह सकते हैं फॉर लिटरेरी टेक्स्ट थ्रू ब्रेकिंग डाउन ऑफ अफेयर्स मीनिंग यानी हम कह सकते हैं सिंपली मैंने कि जब हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ब्रेक डाउन करके मीनिंग को स्टडी करते हैं तो आ, हमारे पास डी कंस्ट्रक्शन कहलाती हैं डी कंस्ट्रक्शन हम किसी भी डी कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन को एक डेफिनेशन पर वाइंड अप नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जब जब हम इसकी डीपली अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं ना तो हमें यह समझ आती है कि जब हम किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करके डी कंस्ट्रक्शन डी प्लस कंस्ट्रक्शन डी कंस्ट्रक्शन को आप डिस्ट्रक्शन में के मीनिंग है ना ले लीजिएगा कि हम इसका ब्रेक डाउन अगर हम इसके मीनिंग ले रहे हैं तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे नहीं डी कंस्ट्रक्शन होगा किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करके उसे दोबारा डी कंस्ट्रक्ट करना और फिर दोबारा अपने और फिर अगेन अपने मीनिंग के अंदर उसको कंस्ट्रक्ट करना दैट इज़ कॉल्ड डी कंस्ट्रक्शन ठीक है यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी भी मीनिंग को या किसी भी टेक्स्ट को लेते हैं तो अपने अपनी इंटरप्रिटेशन के थ्रू या हम कह सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाऊं तो एक ही टेक्स्ट को डिफरेंट रीडर ने पढ़ना और जिस तरीके से वो डिफरेंट रीडर ने पढ़ना उन्होंने अपना मीनिंग फाइंड आउट करना वो डी के मीनिंग में हम लेंगे ठीक है और एक अगर इसकी डेफिनेशन में आपको दूँ ना तो डी कंस्ट्रक्शन क्या होता है इट इज़ अ क्रिटिकल आउटलुक विद द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड मीनिंग ठीक है ये इसकी बेस्ट डेफिनेशन होगी अच्छा ये तो हो गया कुछ करेक्टरिस्टिक्स और कॉन्सेप्ट्स अबाउट डी कंस्ट्रक्शन तो अब इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने इसका कंट्रास्ट पढ़ा विद वो सॉरी ये कॉन्सेप्ट थे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के और इसके साथ हमने स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का कास्ट पढ़ा अब हमने इसके कुछ देखते हैं कुछ स्ट्रक्चरलिस्ट के बारे में ये जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चरलिस्ट लिखे हैं ना इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तीन स्ट्रक्चरलिस्ट हैं ठीक है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एक है जैक डरीडा ठीक है जो दूसरा जीन बोर्डरी है तीसरा रोलन बाथ्स है तो बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये जो तीन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैक डरीडा क्या था ये फ़्रेंच फिलोसफर था मैंने बताया और इसने अपना एक वर्क था ऑफ ग्रामाटोलॉजी नाइनटीन सिक्सटी सेवन के अंदर उसके अंदर इसने डी कंस्ट्रक्शन के टर्म को कॉइन आउट किया था और एज एन एम सी क्यू एज एम सी क्यूज अगर मैं बताऊँ तो आपने ये याद रखना है कि इसने बहुत ज़्यादा ना कन्सेप्ट दिए थे और इसके कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास एक तो डी कंस्ट्रक्शन का एक मिनट एक तो हमारे पास डी कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट आता है ट्रेस का कॉन्सेप्ट आता है ठीक है थेरी ऑफ एब्सेंस एब्सेंस की थेरी कांसेप्ट आता है और लोगो सेंट्रिज्म का एक कॉन्सेप्ट आता है और इसके अलावा ये जो देर इज़ नो आउटसाइड टैक्स ये भी इसी ने दी थी सप्लीमेंट का कुछ कॉन्सेप्ट है और इसी तरीके से इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है फेलो लोगो सेंट्रिज्म तो उसको मैं आपको बता देती हूँ स्पेलिंग है उसके पी एच ए डबल एल ओ फैलो लोगो ठीक है सी ई एन टी आर आई एस एम पी एच ए डबल एल ओ जी ओ सी ई एन टी आर आई एस एम ये हो फो फेलो लोगो सेंट्रिजम ये जो फेलो लोगो सेंट्रिज्म है ना ये एक्चुअली जो जैक डा की पता क्या करता था ये अपने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू इसने ये बताने की कोशिश की है अपनी थॉट्स अबाउट वेस्टर्न कल्चर तो इसके थ्रू ना हमें दो टर्म मिल के बनती हैं एक होते हैं फेलो फेलो दूसरा है लोगो सेंट्रिज्म फेलो सेंट्रीजम व्यू ऑफ द पीपल तब बताता है और लोगो सेंट्रिज्म बेसिकली रीज़न को लोगो जो वर्ड होता है लोगो से मिल बना है ठीक है जिसमें रीज़न के थ्रू बताता है वो कहते हैं कि जो मीनिंग ऑफ टेक्स्ट है इट इज़ इंटरप्रिटेटेड थ्रू द मेस्क्यू पॉइंट ऑफ व्यू तो वो वेस्टर्न के थॉट इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये फॉलो फेलो लोगो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट था ये भी आप याद रखिएगा दूसरा है हमारे पास जेउन बॉर्डरी लार्ड भी भी स्ट्रक्चरलिस्ट के अंदर हमारे पास आता है ठीक है इसने ना हाइपर रियालिटी और समीर अक्रम के दो कन्सेप्ट दिए थे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर और हम मैं कह सकती हूँ कि मोस्ट इंटरेस्टिंग राइटर हमारे पास जो है वो है जे आ, रोलन बॉस ये मोस्ट इंटरेस्टिंग राइटिंग इस इंटरेस्टिंग राइटर इसलिए है क्योंकि ये पहले एक स्ट्रक्चरलिस्ट था फिर बाद में ये मूव कर दिया कर गया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में ठीक है और इसके बहुत ज़्यादा इसने भी कन्सेप्ट दिए थे लेकिन इसने इसका एक वर्क था द डेथ ऑफ द ऑथर नाइनटीन सिक्सटी सेवन के अंदर ये इसने लिखा था एक्चुअली ये एक ऐसे था इसके अंदर वो क्या कहता है इसके अंदर उसने कहा था कि इंडिपेंडेंस ऑफ लिटरेरी टैक्स की बात की थी इसने इंडिपेंडेंस ऑफ लिटरेरी टैक्स की बात की थी और इसने कहा था कि जो वर्क ऑफ लिटरेरी टैक्स है ना वो एक इसके कॉन्टेक्स्ट के थ्रू डिटर्मिन ही किया जा सकता ठीक है और जैसे कि अगर हम यहाँ कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ देखें ना स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चलिज्म द वेरी फर्स्ट वीडियो स्ट्रक्चरलिज्म मैंने आपको एक कोटेशन बताई थी उसमें कहते हैं कि वो कहते हैं कि थिंग्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन ठीक है आइसोलेशन के अंदर नहीं पढ़ना लेकिन यहाँ ये कहता है कि टेक्स्ट को उसके कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम डिटर्मिन नहीं कर सकते तो कॉन्ट्रास्ट आ गया ना इसके आइडियाज़ में तो ये इस तरह इसकी बात करता है और इसके अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन वो कहता है द डेथ ऑफ द ऑथर इज़ द बर्थ ऑफ द रीडर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है इसकी जो इस ना वर्क के अंदर वो कहते हैं कि जो द डेथ ऑफ द ऑथर ऑथर की डेथ ही हमारे पास रीडर की बर्थ है ठीक है ऑथर की डेथ रीडर की बर्थ तो ये हमें इसके अंदर देखने को मिलता है तो ये इसके कुछ कॉन्सेप्ट थे और इसके अलावा इसके मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में इंट्रोडक्शन की मैं डिस्कस कर चुके तो किस तरीके से इसने बालजग की एक शॉर्ट स्टोरी सहराजाइन थी उस पर स्टडी किया था ठीक है और उसके अंदर उसने कुछ कॉन्सेप्ट अपने निकाले थे इसके एक कॉन्सेप्ट दो हमारे पास एक राइटरली टेक्सट है और रीडरली टेक्स ये भी दो कुछ इसके कॉन्सेप्ट ठीक है ठीके? तो अगर हम बाकी देखें एक जूलिया क्रिस्टिवा है मिचल फोक फोकल्ट है ठीक है मिचल फोकल्टुधित बट बटलर है ल्यूकन है ठीक है ये जो कुछ थे ये हमारे पास अदर क्रिटिक ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थे दिस इज ऑल अबाउट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म तो आज की वीडियो में हमने स्ट्रक्चरलिज्म को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ा उसके पहले इसका एक, एक, एक रिव्यू लिया उसके बारे में पढ़ा उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा हमने उसके कॉन्ट्रास्ट देखा विद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का विद स्ट्रक्चरलिज्म के साथ कुछ उसके ये क्रिटिक के बारे में पढ़ा तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जग डरीडा मोस्ट इम्पॉटेंट क्रिटिक है जब भी हमने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या डी कंस्ट्रक्शन को स्टडी करना है और डी कंस्ट्रक्शन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ना हम कॉन्सेप्ट था ठीक है और डी कंस्ट्रक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटा का इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं मुझ में मुझसे कॉमेंट सेक्शन में तो अल्लाह हाफिज़